दमा, अलग अलग रूप है दमा के, और दमा के लिए एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है मेडोरिनम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। मेडोरिनम एक ऐसा नोसोड़ है जिसकी बहुत ज़्यादा आज के युग में ज़रूरत है। बात कर रहे थे हम दमा के बारे में। दोस्तों, दवा में कभी कभी क्या होता है कि लंबा समय तक दमा चल रहा है तो खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और लेकिन जो बलगम निकलता है वो इतना गाढ़ा बलगम निकलता है, कई बार बलगम निकालने के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है कि पेशेंट बेचारा थक जाता है, चोकिंग हो जाती है। और ऐसे बार बार होते रहा, अनेक सारे होम्योपैथी दवा ली, एलोपैथी दवा ली, आयुर्वेदिक लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हमको याद करना पड़ता है मेडोरिनम के बारे में। जो भी दवा बताता हूँ दोस्तों, प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा दमा जिसकी खांसी बेटर हो पेट पे लेटने से, और या गीली हवा में चले गए, डैम्प वेट वेदर वहाँ चले गए, या ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर सी शोर हो, समुद्र किनारे, और वहाँ आपका दमा अच्छा हो जाता है, या ऐसा दमा जो रात को बढ़ता है, मीठा खाने से बढ़ता है, और ऐसे टाइम पे जहाँ पेशेंट को इतना घुटन महसूस होती है कि उसको पंखा चाहिए, मतलब चाहिए ही, कोई भी हालत में वेंटिलेटर पे अगर ना रखना है पेशेंट को, ऐसी परिस्थिति के अंदर बाकी सब दवा काम नहीं कर रही है, याद रखिए मेडोरिनम को। अब मेडोरिनम कौन से पोटेंसी में देना चाहिए, कितनी बार रिपीट करना चाहिए, ये अपना होम्योपैथ ही बताएगा। अक्सर ऐसे लोगों को आदत होती है कि वो जब सोते हैं तो ऐसे सोते हैं जैसे बच्चा छोटा माँ के पेट में कैसे सोता है ना, वैसा, इसको हम नी चेस्ट पोजिशन बोलते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की भूख बहुत ज़्यादा होता है, रेवेनियस हंगर, मतलब थोड़ा खाने से उनका पेट ही नहीं भरता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, लेकिन लैट्रिन बिल्कुल नहीं होती, दो दो तीन चार चार पाँच पाँच दिन लैट्रिन नहीं होती है। अगर ये समूह है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, रेवेनियस हंगर, एंड जिस तरह का जो दमा मैंने बताया है, इट्स जनरली ऐसा दमा जिसमें बलगम नहीं निकलता, खांसी बहुत ज़्यादा है लेकिन बलगम नहीं निकलता, कार्बोवेज आपने दे दिया लेकिन कार्बोवेज से फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने मेफाइटिस दे दिया, मेफाइटिस के अंदर खांसी बहुत ज़्यादा है लेकिन खून निकलता है, मेडोरिनम के अंदर ऐसा नहीं है, मेडोरिनम के अंदर थोड़ा बहुत भी है लेकिन पेशेंट खांस खांस के परेशान हो जाता है, आप याद रखिए मेडोरिनम के बारे में। अक्सर आप ऐसे पेशेंट के बारे में बात करें, इसके साथ बात करेंगे ना, तो उनको इंट्यूशन आता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ अक्सर सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बोलते भैया आप रोड मत क्रॉस करना, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, अब उसके मुंह से निकल तो गया और अक्सर वो सही हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंट्यूशन। तो ये इंट्यूटिव टेंडेंसीज काफ़ी सारे लोगों के अंदर रहती है, और वो जो बोल देते हैं वो करेक्ट होता है। दोस्तों, ये मेडोरिनम का सिम्टम है। ऐसे अनेक सारे मेडोरिनम के सिम्टम्स है, साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर जब एक टाइम आता है, साल, दो साल, तीन साल, जहां उनको हाथों पैरों के अंदर जलन होने लगती है, अगर वो जब सोते हैं तो उनके हाथ और पैर बाहर निकालना पड़ता है या उनको हवा लगनी चाहिए, इस तरह से करना पड़ता है, ये सिम्टम मेडोरिनम के अनुसार। और साथ में अगर अस्थमा रहा तो फिर मेडोरिनम ही लगता है। मेडोरिनम के बारे में कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं, अगर आप मुझसे इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट करने में, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, 9307965618 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जून 11 से लेकर जून 18 तक हमारी समर स्कूल होने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड है लर्निंग करने में, सेम नंबर 9307965618 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम लोग आपको फीडबैक देंगे। दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है, आप लगे रहिए, हमको आपके व्यूज़ जानने में,
बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। आपको भी कोई इंटरेस्ट है, कोई टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ कहिए, मैं डेफिनेटली उसको कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।